जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ग्रीन ड्रैगन्स के मास्टर और उसके साथ खड़े सैन जन मंकी पर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि मंकी बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो कल को उनके लिए भी काफी मसले खड़े कर सकता है तो इसलिए सें जैन भी ग्रीन ड्रैगन के साथ मिलकर उस पर हमला करता है और अब सैन जैन अपनी जुबान से मंकी के गले को पकड़ चुका था अब इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि किंग यू भी मंकी की हेल्प करना चाहता था और उसकी हेल्प करने के लिए वो टोकन से अपने मास्टर को बुला लेता है लेकिन जैसे ही वो टोकन की हेल्प से अपने अंकल लैन यानी अपने मास्टर को बुलाना चाहता है तभी पर्पल ड्रैगन आके उसे पीछे की तरफ धक्का देता है ताकि वो टोकन से किसी को बुला ना सके लेकिन तब तक अंकल तक तो मैसेज पहुंच चुका था और वो वहां पहुंच जाते हैं अब किंग यू के अंकल वहां आते ही मंकी के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन बनाते हैं ताकि वो दोबारा से मंकी पर अटैक ना कर सके लेकिन वो करते हैं वो दोबारा से अटैक करते हैं मगर इस प्रोटेक्शन की वजह से वो पीछे जाकर गिरते हैं इसके बाद वो किंग यू के अंकल पर भी अटैक करते हैं मगर उसके अंकल वही पे खड़े खड़े उन सभी ड्रैगन को ऐसा मारते हैं की वो दूर जाकर गिरते हैं और यहाँ ये सब समझ जाते हैं की ये बहुत हाई पावर के अच्छे लेवल पर है यहाँ ग्रीन ड्रैगन आपस में बात करते हैं की शायद ये हिडन लेवल नंबर फोर पे है जिसकी वजह से ये खड़े खड़े सबको ऐसे मार रहे हैं और इन्हें कोई टेंशन भी नहीं है इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं और दूसरी तरफ पर्पल ड्रैगन भी आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक भाई कहता है कि कहीं ये वही मास्टर तो नहीं है जिसकी बात किंग यू ने हमसे की थी दूसरा कहता है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ये वही मास्टर है और काफी ज्यादा पावरफुल है दूसरी तरफ हमें अंकल लैन को दिखाया जाता है जो की किंग यू को लेके एक पहाड़ी पे जाकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो एक लिक्विड मंकी के ऊपर फेंकते हैं ये एक मैजिकल लिक्विड था जिसकी वजह से मंकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है लेकिन वो बहुत ज्यादा थका होता है तो होश में आने के बाद फिर से गिर जाता है लेकिन दोबारा बेहोश होने से पहले वो अंकल लैम से ये जरूर पूछता है की आप यहाँ क्या कर रहे हैं मास्टर और तब वो उससे कहते हैं की शरारती लड़के तुमने फिर से इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया इसके बाद किंग यू के मास्टर सभी ग्रीन ड्रैगन और पर्पल ड्रैगन को अपने सामने खड़ा करते हैं जो की उनसे काफी ज्यादा डर चुके थे अब ये सब मिलकर किंग यू के मास्टर के सामने झुकते हैं और उनसे माफी मांगते हैं क्योंकि ये उनकी पावर के बारे में जान चुके थे यहाँ किंग यू के मास्टर उन सबसे कहते हैं की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई की तुम लोगों ने मेरे स्टूडेंट्स को हाथ लगाया और उन्हें परेशान किया ये सुनकर ये सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं जैसे कि ग्रीन ड्रैगन वाले कहते हैं कि पर्पल ड्रैगन वालों ने तो किंग यू को कैद भी कर लिया था लेकिन तभी हमने एक बीस्ट भेजा जिसकी हेल्प से किंग यू बाहर आ गया हम तो उसको बचाने के लिए आए थे हम उसे मारने तो नहीं आए थे लेकिन हकीकत में तो ये झूठ बोल रहे थे वहाँ पर्पल ड्रैगन भी सब कहते हैं की हमारी कोई गलती नहीं है इसमें तो ग्रीन ड्रैगन की गलती है यानी की ये एक दूसरे की गलती मान नहीं रहे थे और तब अंकल लैन कहते हैं कि तुम लोग चुप करो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोगों के क्या ख्याल हैं और तुम लोग करना क्या चाहते हो तुम सब जेट के पीछे हो और इस सब में तुम अच्छे बुरे की तमीज ही भूल चुके हो तुम लोगों को ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि वो डॉग और अब तुम सभी मुझे बताओ की मुझे तुम लोगों का क्या करना चाहिए क्योंकि तुम लोग तो पागल हो चुके हो ये सुनकर वो सब माफी मांगते हैं और यहाँ किंग यू अंकल से कहता है की इन्होंने जो भी किया इन्हें उनके गुनाहों की सजा मिल गई है तो अभी मेरे ख्याल से तो इन्हें माफी कर देना चाहिए अब ये सब भी खुश हो जाते हैं कि अब हमें माफ कर दिया जाएगा और तभी ग्रीन और पर्पल ड्रैगन अपने अपने क्लैन की जमीने किंग यू के नाम कर देते हैं और यहाँ अंकल लैन भी इन्हें माफ कर देते हैं यहाँ किंग यू भी अंकल लैन को थैंक यू कहता है की आप आए तो ये सब कुछ ठीक हुआ अगर आप ना आते तो शायद मैं इनको अकेला ना संभाल पाता इसके बाद अंकल लैन किंग यू और मंकी को लेकर वहाँ से फट से उड़ जाते हैं और ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं की इसमें इतनी ज्यादा पावरफुल है की ये एक ही झटके में दो लोगों को लेकर जा सकता है हमें इसकी पावर का बाकी लोगों को भी बताना होगा और इसे निपटने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा यानी ये अभी भी नहीं सुधरे थे उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि की किंग यू अंकल लैन से पूछता है की आपका लेवल कौन सा है और आप में इतनी ज्यादा पावर कैसे है अब अंकल लैन उसे कहते हैं की मैं वक्त आने पर तुम्हें ये सब बता दूंगा इसके बाद वो एक लिक्विड फेंकते हैं जिससे वो किंग यू को एक अलग यूनिवर्स में लेकर चले जाते हैं वहाँ जाकर वो किंग यू से कहते हैं कि इस यूनिवर्स में बहुत सारे राज हैं जो फ्यूचर में तुम्हें पता चल जाएंगे अभी ऐसे बहुत से राज हैं जो तुम पर नहीं खुले और जब खुलेंगे तो तुम्हें उनकी कम्प्लेक्सिटी का पता चल जाएगा इसके साथ साथ वो किंग यू को बताते हैं की तुम्हारे पास नाइन स्वर्ड है जो की सभी डावेल लेने के लिए पागल हैं और अभी आठ बाकी हैं जो तुम्हें हासिल करने हैं और ये आठ जब तुम हासिल कर लोगे इसके बाद तुम फेरी गेट में जाओगे और एक बात वहां जाने से, पहले तुम्हें से, और से लड़ना होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत से डेविल और बीस हैं जो कि उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं और वहाँ हमेशा घूमते रहते हैं क्योंकि इन सब को भी वो स्पॉट्स चाहिए और हाँ वहाँ जाने से पहले तुम्हें ये भी डिसाइड करना होगा कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है ये बात सुनकर किंग यू कहता है कि मैं हमेशा इन और गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूँ मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी की दिल आजारी हो मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ ये बात सुनकर उसके मास्टर कहते हैं की तुम परेशान मत हो मुझे यकीन है तुम कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिला के रख दोगे और जब तुम ये सब स्वाड्स हासिल कर लोगे इसके बाद तुम फेरी गेट को भी खोल लोगे क्यूँकी इन सब तिलवारों के मिलने ऐसी वो फेरी गेट खुद बखुद खुल जाता है इसके बाद किंग यू और उसके मास्टर मिलकर एक नया क्लैन बनाते हैं क्योंकि इनका पुराने वाला क्लैन टूट चुका था और अब ये नए क्लैन का नाम स्टार पेविलियन रखते हैं वहाँ किंग यू ब्लॉक के सभी गार्ड्स को बुलाता है जहां पर उसका बर्ड उसे बताता है कि जब वो चला गया था तो उसने वहां पर एक लड़की को भी हायर किया था जो कि पहले वाले गार्ड से ज्यादा पावरफुल थी ये सुनकर किंगयू भी काफी होता है और अब इस लड़की को बाकी गार्ड्स का कमांडो रख लेता है अब ये सब गार्ड्स मिलकर इस क्लैन की हिफाजत करेंगे और इसे बड़े बड़े अटैक से बचाएंगे अभी ये सब कुछ हो ही रहा था की तभी वहाँ पर लियर आ जाती है आपको बताते चले की लियर वही है जिसे की किंग पसंद करता था लियर के आने के बाद किंगयू उसे अपना महल दिखाने चला जाता है जो कि उसके बचपन के घर जैसा है और उसने बिल्कुल वैसा ही बनाया है अब ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इसके बाद किंग को वापस बुला लिया जाता है क्योंकि उसने अपने क्लैन की इनागुरेशन करनी थी इस क्लैन की इनागुरेशन करने के लिए कुछ क्लैन के लीडर आए हुए थे और इसके साथ साथ ग्रीन ड्रैगन का मास्टर भी आया हुआ था पर्पल ड्रैगन भी आए हुए थे और सेंजन भी आया हुआ था अब ये सब मिलकर खाना खाते हैं और तभी इनमें से एक क्लैन का लीडर उठता है और वो सबसे कहता है की आप सब लोग अपनी अपनी तिलवारें मुझे दे दो और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है